चलिए आपको गड्ढा दर्शन कराते हैं। ये एक गड्ढा है, ये सहारनपुर के विनोद बिहार का गड्ढा है। इसे बनाने की एक कहानी है। इसे इंजीनियर्स ने बड़े करीने से बनाया है। वैसे तो शानदार इंजीनियर्स ने सड़क बनाई थी, लेकिन ऐसी तकनीक लगाई कि सीमेंटेड सड़क में 12 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। ये कोई आम गड्ढा नहीं है, ये एक विशेष गड्ढा है। जब सड़क ने धस कर गड्ढे का निर्माण किया तो इसमें इलाके के पार्षद समेत 4 और लोग भी दब गए। बकौल पार्षद, इस गड्ढे को धसाने के लिए मस्त डिजाइन बनाया गया था। वो लगातार बताते रहे कि सड़क में कुछ विशेष है, लेकिन अधिकारियों को अपने काम पर पूरा भरोसा था कि एक दिन तो गड्ढा बन ही जाएगा। वो बहुत दिनों से वो बिल्कुल जो हमारे वार्ड में सीसी रोड बनी हुई थी, बहुत पहले जीएसबी नाम की कंपनी है जिन्होंने ये काम किया था। मैंने कई बार उनके एक्सियन और उनके जो अधिशासी अधिकारी हैं जेई हैं उनको कई बार अवगत भी कराया कि इसको आप चेक कराइए, यहाँ सही नहीं कोई। अब उन्होंने बार बार मेरे कहने के बाद भी वो नहीं आए। आज हम उसे खुदवाने मतलब उसको ठीक उसके कराने के लिए पानी की लीकेज के लिए हम देखा कि बहुत बड़ा एक गड्ढा, बहुत लंबा एक सुरंग बनी हुई थी हमारे उसमें 12-12 फुट 14-14 फुट। जैसे वो सारी की सारी सीसी रोड गिर गई, बराबर के मकान भी बहुत प्रभावित हैं। अब अचानक जब हमने देखा तो हम सारे के सारे उसमें गिर गए। मैं था, जो स्टाफ काम करने वाला था, महिलाएं थी, हम 5-6 लोग सब गिर गए। मैं बिल्कुल बीच में 12 फुट नीचे गड्ढे में मैं गिर गया, जहाँ से आप लोगों ईश्वर का मैं आप लोगों का भाई धन्यवाद है कि मैं बड़ी फिर भी मेरी जान बच गई। चोटे हैं, ठीक तो हो ही जाएंगे, लेकिन बस जान बच गई, यही ईश्वर की कृपा है। कुल मिलाकर सड़क के नीचे 12 से 14 फीट का सुरंग बनाने की एआई तकनीक विकसित करने के बाद अधिकारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे। फिलहाल इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये सुरंग की तकनीक किसने विकसित की, क्या ये कारनामा नगर निगम ने किया या जल कल विभाग ने। इसमें कल शाम को पाइपलाइन लीकेज की बात बताई है यहाँ पर लोगों ने, और सीवर की एक समस्या बताई है। तो मैं दोनों को एग्जामिन कर रहा हूँ, एग्जामिन करके जो है इसका तत्काल जो है इलाज भी तुरंत किया जाए। ये जलकल की गलती है या नगर निगम की, क्योंकि अभी जलकल वाले कह रहे हैं कि हमारा सीवरेज जो है सही है। जी, जो मैं अभी आके अभी देख रहा हूँ, इसमें जो स्थिति निकलेगी मैं अपनी जांच के बाद जो है बताऊंगा कि इसमें कहाँ कमी रह गई और किस तरह ये दुर्घटना हो गई। वहीं सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि बस इसे यही रोक देना चाहिए। देखिए, बहुत दुखद है और ये मतलब ये जितना हो गया उतने पर ही रुक जाए। ये खुदा से दुआ करता हूँ कि ये उतने पर ही रुक जाए, क्योंकि मुझे आगे भी लगता है कि आगे कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। मैंने अभी कमिश्नर साहब से भी बात की, मेयर साहब आए, मैंने मेयर साहब से भी कहा, कमिश्नर साहब ने कहा कि पूरी टीम भेज रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल टीम आ रही है, तो जो आगे डैमेज फर्दर डैमेज ना हो उसको रोका जाए, क्योंकि काफी चोट लगी है और ये हालात जो दिखाई दे रहे हैं मुझे और हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरी प्रयास है कि जल्दी से काम हो जाए जिससे आगे डैमेज ना हो। भाई एक काम करो, पहले मौके पर पहुंचे हैं, लगातार कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के, और देखिए स्मार्ट सिटी का तो हाल अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है, पर जनता जानती है, एक अल्लाह जानते हैं और जनता जानती है कि स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है और कौन सा स्मार्ट हुआ है, ये भी आप जानते हो अच्छी तरह से। वैसे सड़क के भीतर अपने आप सुरंग बनाने की और खूबसूरत गड्ढे विकसित करने की इस तकनीक को देश से बाहर नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में इस खबर को आप अपने विदेशी दोस्तों के साथ साझा ना करें। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।